व्यापार मंडल राजौरी के एक वफद ने आज नए एसएसपी राजौरी रणदीप कुमार से मुलाकात की। इस वफद की क्यादत व्यापार मंडल के सदर राजेश गुप्ता कर रहे थे, जिस दौरान इन लोगों ने एसएसपी राजौरी रणदीप कुमार से उनके ऑफिस में जाकर मुलाकात की व अलग अलग मामलों पर तबादला ख्याल हुआ। राजेश गुप्ता और बिट्टू शाह के मुताबिक आज हुई इस मुलाकात के दौरान ताजिरान ने अलग अलग मुतालबात को एसएसपी राजौरी के सामने रखा, जिनमें ख़ास तौर पर वीडीसीज को मजबूत बनाने की बात शामिल थी। इसके अलावा कुछ एक इलाकों में गश्त को बढ़ाने व नशे की तस्करी के खिलाफ मजीद नकेल कसने की बात पर भी जोर दिया गया। आज व्यापार मंडल राजौरी का एक डेपुटेशन एसएसपी साहब जो हमारे नए आए उनसे मिला है, उसमें सबसे पहले व्यापार मंडल राजौरी ने वेलकम किया उनका, और अच्छे अफसर हैं वो, पहले भी यहाँ पे रह चुके हैं। उसके बाद हमारे इशू थे तीन चार, जैसे कि पिछले दिनों एक गवर्नमेंट ने निकाला कि जहाँ एसपीओ की भर्ती की जाएगी, तो मैं ये समझते थे हम लोग कि यहाँ पे ज़रूरत थी। जैसे डांगरी के अंदर हुआ, हमारे 7-8 लोग मारे गए, शहीद हुए, वहाँ पे कोई नाम नहीं एसपीओ भर्ती का। उसके बाद फलियाना के अंदर हुआ, उसका कोई नाम नहीं है, और जहाँ यहाँ हुए वहाँ का नाम ही नहीं लिया गया कि यहाँ एसपीओ भर्ती किए जाएं। तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये रिकमेंड किया जाए कि जो एरिए जरूरी हैं उनके लिए किया जाए। उसके बाद था हमारा गन लाइसेंस का कोई रिन्यू का इशू है, या बीडीसी का गन का इशू है। यहाँ पे लोगों के पास लाइसेंस नहीं थे, वहां पे बीडीसी की गन्ने दी जाएं। अगर जिनके पास हैं उनके रिन्यू नहीं हो रहे हैं या नए नहीं बन रहे हैं, हम गवर्नमेंट से इनके एसएसपी साहब के जरिए और डीसी साहब के जरिए एलजी साहब से अपील करेंगे कि ये चीजें किए जाए। जैसे अम्युनिशन का था कि सेल बंद की हुई है, अगर किसके पास गन लाइसेंस अपने बने हुए हैं, रिन्यू भी हैं, उनको मार्केट से अम्युनिशन ही नहीं मिलता है, ये इशू थे। उसके बाद सबसे बड़ा मसला था ड्रग्स का। तो ड्रग्स में पुलिस आगे भी काम कर रही है, तो हमने एसएसपी साहब को और चीजें बताई हैं जो हमारे नॉलेज में थी। तो क्योंकि ये नए आए थे, तो जो पुलिस टीम हमारी काम कर रही थी, तो हमने कहा ये टीम अच्छा काम कर रही है, और जो एरिए हैं उनको थोड़ा सा देखे जाए, जैसे यूनिवर्सिटी रोड है, जैसे बाबा दुद्धाधारी आश्रम का बेला पार्क है, ये जो स्पॉट थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे वॉच किया जाए। और ड्रग्स के मसले में अगर कोई सिफारिश करने के लिए आपके वो आएगा, तो हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।